तो यार मैं बात करने वाला हूँ ब्लॉगिंग एक्सपर्ट्स की। बहुत से ब्लॉगिंग एक्सपर्ट है और सो कॉल्ड ब्लॉगिंग एक्सपर्ट है, वो अपने आप को बहुत ही धुरंधर बताते हैं कैसे जो है इस इंडस्ट्री में आप 15 से 20 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो बहुत से स्टूडेंट लोग हैं वो देखते हैं कि हाँ यार ब्लॉगिंग ये तो बहुत अच्छा करियर है और वो उसको स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो ब्लॉगिंग लाइन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइन है और उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब बताई नहीं जाती है डिटेल में, जिससे क्या होता है कि इनिशियली स्टूडेंट्स वगैरह ने उन्होंने अपना टाइम एफर्ट और पैसा वगैरह लगाते हैं लेकिन बाद में जो उनको रिजल्ट मिलता है वो जीरो मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो ब्लॉगिंग है वो बिल्कुल भी ईजी काम नहीं है। ब्लॉगिंग इस टाइम पर अगर मैं बोलूँ तो सबसे जो ज़्यादा कॉम्पिटिशन है वो ब्लॉगिंग में है। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो या जैसे आप कोई टॉपिक लिख रहे हो, कोई किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो, अब उस आर्टिकल पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंपटीशन है। तो अगर आप सोचते हो कि आप नई एक वेबसाइट बनाओगे और उस पर आप ब्लॉग लिखना शुरू कर दोगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे और आपको ढेर सारा ट्रैफिक आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ब्लॉगिंग में घुसते हो तो ब्लॉगिंग में इनिशियली आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए या होस्टिंग करने के लिए। अगर आप जाते हो जो फ्रीली अवेलेबल वेबसाइट्स वगैरह हैं तो उसमें जो है वो इतनी ईजिली मतलब उसको प्रमोट करना इतना ईजी नहीं रहता है। अगर आप लेट्स से जाते हो कोई ऐसे फ्री वाले होस्टिंग प्रोवाइडर के पास तो वो वहाँ पे जो आपकी वेबसाइट की स्पीड वगैरह होगी वो बहुत कम होगी। तो उससे क्या होगा कि गूगल जो है अगर आपकी वेबसाइट का रिस्पांस अच्छा नहीं है, रिस्पांस यानी कि आपकी वेबसाइट जो है किसी क्लिक करने के 10-15 सेकंड बाद खुलती है, स्लो लोड होती है, तो उस केस में गूगल जो है आपकी वेबसाइट को प्रमोट नहीं करेगा, सर्च इंजन वगैरह में उसकी जो रैंकिंग कम हो जाएगी और जो वो है टॉप 10 पेजेस वगैरह में नहीं आएगा। तो दैट इज़ वन थिंग। अब बात करते हैं पैसों की, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल आप फ्री में शुरू कर सकते हो, तो भाई फ्री में शुरू करने वाली गेम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपनी अपने पोस्ट डालने हैं, रेगुलरली डालने हैं, आर्टिकल डालने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन भी करना होगा। अब प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा एडवर्ड वगैरह के थ्रू इसका प्रमोशन करने के लिए। अगर आप चाह रहे हो कि फेसबुक वगैरह पे आप इसको प्रमोट कर लोगे जो कि ब्लॉगर्स के ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, तो भाई वहाँ पे प्रमोशन कुछ नहीं होता है। वहाँ पे अगर आप अपना फेसबुक या वो फेसबुक ग्रुप वगैरह पे आप जो है अपना आर्टिकल का लिंक डालते हो कि मेरे वेबसाइट पे जाके मेरा आर्टिकल देखो और मैं भी रिटर्न में तुम्हारा आर्टिकल देखूंगा, तो उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि जब कोई आपकी वेबसाइट पे जाके क्लिक करता है और ओपन करता है और एक स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको क्लोज कर देता है, तो बेसिकली जो उस यूज़र ने आपकी वेबसाइट है जो बहुत ही फ्यू सेकंड्स के लिए, हार्डली 2 या 3 सेकंड के लिए खोली है, तो उससे क्या होता है जो ऐसी वेबसाइट है जिसका कि जो रिटेंशन पीरियड है जो बहुत ज़्यादा नहीं होता था, उसके इसमें अगेन ऐसी वेबसाइट जो है वो गूगल के रैंक में प्रमोट नहीं की जाती है। तो ये सब जो प्रमोशन मैकेनिज्म जो फ्री वाले होते हैं वो इतने काम नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, बोले जाते हैं कि आप SEO आर्टिकल लिखो, तो SEO आर्टिकल जो है वो सही चीज़ है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो सब करने के लिए आपको टाइम एफर्ट और मनी चाहिए होता है। क्योंकि अगर SEO के लिए भी आप फ्री टूल जो है Yoast हो गया, Yoast अगर फ्री टूल आप यूज़ करोगे कुछ हद तक थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन उसको भी अगर आप और अच्छा या फर्दर एनालिसिस करना चाहते हो या अपने पेज को बहुत ही अच्छा SEO फ्रेंडली बनाना चाहते हो, तो Yoast का भी आपको जो है पेड वर्जन लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी आपको अपने SEO कॉम्पिटिटर्स देखने हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है पेड प्लान खरीदने पड़ेंगे, तभी जो है आप इसमें ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज बिल्कुल फ्री पे आप चलते रहोगे तो आप जो है बहुत स्लो ग्रो करोगे और आपको रिजल्ट दिखेगा नहीं, और उससे क्या होगा इन देंड आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। बहुत से जो लोग हैं उन्होंने लगभग 6 महीने से वो लगे हुए हैं, वो अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल डाले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं है कि ये जो वो बस इस उम्मीद में डाले जा रहे हैं कि यार एक दिन हम भी 10 से 15 लाख रुपए महीने के कमाएंगे और हमारी सारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, हम लोग बहुत तगड़े एक्सपर्ट्स बन जाएंगे ब्लॉगिंग में और इतना ईजी है इसमें काम करना, बस कंसिस्टेंसी चाहिए ये वो, जो कि आपको सो कॉल्ड गुरुज वगैरह सिखाते हैं। तो भाई ये लाइन जो है बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हो अपनी स्टडी पे ध्यान दो। अगर आपको पैसों की सही में ज़रूरत है और मतलब ऐसी ज़रूरत है कि पैसों के बिना आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती है, उस केस में भी मैं आपको बोलूँगा ब्लॉगिंग में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। जैसे अगर आपको 15-20 हज़ार रुपये महीने की ज़रूरत है तो आप जो है और भी बहुत से जॉब है जिससे 15-20 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हो पार्ट टाइम जॉब करके, रादर देन कि आप ब्लॉगिंग में टाइम वेस्ट करो। क्योंकि ब्लॉगिंग इनिशियली डे वन से आपको कोई भी पैसा देने वाला नहीं है। ब्लॉगिंग में आप जो है ब्लॉग को एस्टेब्लिश करने में, उसके बाद एडसेंस अप्रूवल वगैरह लेने में कम से कम जो है आपको 6 से 8 महीने तक का ये टाइम जाएगा। और जब एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो जंग जीत ली है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक होगा वो बहुत कम होगा, वो इतना कम होगा कि शायद आप जो है एडसेंस अप्रूव होने के बाद भी जो अगले 1 साल तक शायद $100 भी ना कमा सको।
ठीक है। तो अगेन ये सब चीज़ें जो है आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रियलिटी है। जो ट्रैफिक होता है बिल्कुल ही कम आता है, और जो लोग होते हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, और वो फेक बताते हैं कि हाँ मेरी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो लोग बेसिकली क्या करते हैं, तो इसी चक्कर में लोग उनकी साइट को देखने के लिए जाते हैं कि इसकी साइट में ऐसा क्या है कि ट्रैफिक आ रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत उनकी साइट पे ट्रैफिक बढ़ता है, जो कि अगेन बहुत कम टाइम के लिए होता है। उसके बाद अगेन क्योंकि गूगल SEO वगैरह में इनके पेजेस इतने प्रमोट होते नहीं है, और वो इसलिए नहीं होते क्योंकि यार ऑलरेडी जो बहुत सी वेबसाइट है उन्होंने उसी टॉपिक पे बहुत अच्छे आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट क्यों प्रमोट करेगा, जबकि उनके पास ऑलरेडी जो अगेन आपको DA वगैरह का पता होगा, तो जो हाई डोमेन अथॉरिटी वाले जो वेबसाइट है उनकी वेबसाइट हमेशा जो है टॉप पे आती है। और अगर जैसे खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जिस पे शायद किसी ने कोई आर्टिकल नहीं बनाया, आप पहले वैसे आर्टिकल बनाने वाले, तो भी ये जो है जैसे ही पता चलेगा कि हाँ ये कीवर्ड जो है ट्रेंडिंग में है, वो धीरे धीरे जो बाकी जो वेबसाइट वगैरह हैं जिनकी DA बहुत हाई है, वो धीरे धीरे उसको फिर से पिकअप कर लेंगे। तो बेसिकली बहुत हाई कंपटीशन है, और आप सोच रहे हो कि एक नई वेबसाइट बना के और ब्लॉग वगैरह लिख के उसको पेनिट्रेट करोगे, तो ये बहुत जो है बड़ी गेम है, इसमें टाइम लगेगा और इमिडिएटली बिल्कुल भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। इसमें कम से कम भी आपको 1 साल का टाइम देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जाके कहीं आप 5-7 या 10 हज़ार कमाना शुरू करोगे। हाँ लेकिन अगर आपको जो ब्लॉग्स वगैरह आपको अपने किसी और बिजनेस के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल ऐसे आप साइड बाय साइड आपका रेस्टोरेंट है उसको प्रमोट करने के लिए आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, अपनी जो फूड रेसिपी वगैरह दे सकते हो, या उस काम के लिए आप ब्लॉग्स यूज़ कीजिए। जैसे हो सकता है जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल से रिलेटेड जो है आप जैसे आपने वीडियो बनाई किसी एक टॉपिक पे, उसको प्रमोट करने के लिए अगेन आप ब्लॉग्स भी लिख सकते हो। तो क्या होगा कि यूट्यूब से आप जो है उस ब्लॉग पे ट्रैफिक भेज सकते हो, और ब्लॉग से वापस जो है आप यूट्यूब वगैरह पे ट्रैफिक भेज सकते हो, जैसे आपने अपनी जो यूट्यूब वीडियो है वो उस ब्लॉग में एम्बेड कर ली। तो ये सब कुछ तरीके हैं, यानी कि आप ब्लॉग जरूर रखो अगर आपका कोई साइड बिजनेस है जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो है ब्लॉग को ही अपना एक बिजनेस मत बनाओ, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो और आप अर्जेंट नीड ऑफ मनी में हो, तो ब्लॉग आपको इतनी जल्दी पैसे नहीं देने वाला है। कम से कम भी इसमें आपको 1 से 1.5 साल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़े बहुत पैसे देना शुरू करेगा, ठीक है। तो ब्लॉगिंग वाले लाइन में या किसी और की वीडियो देखे कि वो कैसे 10 से 15 लाख रुपए महीने का कमा रहे, इसमें बिल्कुल मत घुसो। शायद आपको 10 से 15 लाख तो बहुत दूर की बात है, शायद आपको 10,000 रुपये कमाने में भी 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाएगा। तो ब्लॉग से रिलेटेड लेकिन अगर कोई क्वेरी है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगेन ये सारा जो ज्ञान है, मैं आपको कोई मुफ्त का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी करके देखी हुई है। मेरा भाई है, उसने ऑलरेडी वेबसाइट स्टार्ट की थी, ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट किया था, और जो इवन दो आई मीन हम लोगों ने 3-4 महीने में जो उसने काफ़ी अच्छे आर्टिकल वगैरह लिखे एडसेंस के लिए अप्लाई किया था वो चल गया था, उसके बाद भी जो है उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है, जबकि उसने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। तो अगेन अगर आप लोग इसमें घुसना चाहते हो, उसको अच्छे से स्टडी करो, सिर्फ कोई क्लिक बेट वीडियो देखिए कि 10 से 15 लाख रुपये लोग कमा रहे हैं हम भी कमा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और एक आधा एक्सेप्शन केस होंगे, और वो भी वो वाले होंगे जिन्होंने बहुत ही पहले जो है ये करियर शुरू किया था। और अगर एक चीज़ सोचो, अगर 10 से 15 लाख रुपये वो कमा रहे हैं एक वेबसाइट पे ब्लॉग वगैरह लिख के, तो वो आके यूट्यूब पे आपको ज्ञान क्यों दे रहा है, और वो फिर आपको ये क्यों बोल रहा है कि मेरे 400-500 रुपये में मेरा कोर्स खरीदो जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने ब्लॉग से 10 से 15 लाख रुपये कमा सकते हो। तो रीज़न ये है कि सिर्फ ब्लॉग से भाई उनकी भी गाड़ी नहीं चलती है, इसलिए वो आते हैं यूट्यूब पे, या फिर वो आते हैं अपने कोर्सेज को बेचने के लिए उडेमी वगैरह पे या यूट्यूब के थ्रू, या सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके थ्रू अपना इंटरव्यू करवाते हैं, फिर जाके अपने कोर्सेज वगैरह बेचते हैं। तो अगेन सिर्फ और सिर्फ जो ये वीडियो इसलिए बनाई है कि पता चल सके क्या सच्चाई है, ठीक है। ब्लॉगिंग लाइन बहुत कंपटीशन वाला है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आपने ठान ली है और आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है और आप जो है लॉन्ग रन में विश्वास करते हो तो ही इसमें घुसो। शॉर्ट रन में पैसा बनाने के लिए बिल्कुल ही बकवास चीज़ है, इसमें मत घुसो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।